नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं डॉक्टर रवि गिरी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम अगस्त 2018 मंथ पर आते हैं और यहां इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए ऐसे कौन से करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ आइए स्टार्ट करते हैं टारगेट प्रीलिम्स एग्जाम 2019 सेशन। ये हमारा इस करंट अफेयर्स एनवायरमेंट इकोलॉजी का तीसरा वीडियो है जहां पर हम अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स की डिस्कशन कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूं जिन चैप्टर्स को आपको पढ़ना होता है, आप सब जानते हैं। इन द बिगनिंग दो मिनट में मैं इन सारे चैप्टर्स के नाम आपको बताता हूं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ यहां जुड़ रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में किन चैप्टर्स को पढ़ना है और इन्हीं चैप्टर्स के रिलेटेड इशूज़ और यानी उनका बेसिक, उनका कंसेप्ट, उनका अप्लाइड और प्लस उन्हीं पे आधारित इनके समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स को लेकर हमें आगे बढ़ते रहना है जब तक आपका फाइनल डेस्टिनेशन या आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। सो आइए दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स उस बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले यहाँ पर एक यूनिट है जहाँ बेसिक ऑफ इकोलॉजी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जहाँ पर आपको बता दूँ करंट अफेयर से प्रश्न ना के बराबर होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल पार्ट्स में यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं। दूसरा यूनिट है इसमें क्लाइमेट चेंज और वेरियस क्लाइमेटिक पैरामीटर्स हैं, इस पर करंट अफेयर्स और बेसिक्स और अप्लाइड तीनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यानी यहाँ पर करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तीसरा यूनिट है जहाँ पर डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हैं, उनसे जुड़े डिफरेंट सबमिट्स हैं, यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी और प्लस करंट अफेयर्स बहुतायत में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में आप प्रश्न बनते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके सिलेबस में, आपके पूरे इन्वायरमेंट में यही चैप्टर है। यूनिट चार जहाँ पर हम डिफरेंट तरह के रेगुलेटरी बॉडीज, डिफरेंट लॉज और डिफरेंट एक्ट्स को पढ़ने वाले हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे भी बेसिक, अप्लाइड और यहाँ पे भी करंट अफेयर्स बनते हैं। ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो इस यूनिट्स के अंदर आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला यूनिट जो है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इस यूनिट का कहीं पे भी मेंस प्रीलिम्स के पेपर में कोई वेटेज नहीं है, आज तक कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, मेंस में इसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर कोई करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कोई भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चैप्टर इसको पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है और यहाँ पर बेसिक अप्लाइड के साथ करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चंस होते हैं। अगला जो बायोम्स, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरेस्टिक रीजन के बारे में बात करते हैं, ये एक अप्लाइड एरियाज है और एक तरह से बोलूँ तो ये इन्वायरमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसको इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के अंदर कंसिडर करेंगे, यहाँ पे भी प्रश्न होते हैं। अगला टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जो भारत में चलाए जा रहे हैं। पीछे मैंने आपको चार नए स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में चार नए स्पीसीज के बारे में बताया था, ये प्रश्न आपके पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखेगा, जुलाई मंथ 2018 में मैंने इन चार स्पीसीज के बारे में बताया। वैसे टोटल पहले 17 थे, अब चार मिलाकर टोटल कितने हो गए दोस्तों, 21। इन पर भी आपको ध्यान देना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो यूनिट है मिसलेनियस टॉपिक है, जहाँ पे कुछ नई चीजें हैं जैसे इंटरनेशनल नाइट्रोजन समिट्स, इस तरह की चीजें हैं जो मैं अभी कुछ चीजें यहाँ बताने वाला हूँ, इन टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ना। तो आगे के जो वीडियोस मैं आपको बताने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स में, उनमें मैं यूनिट यूनिट के नाम भी मैंशन करता जाऊँगा, यानी आपको ये समझ में आ जाएगा ये किस यूनिट के अंदर के टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, जो ये पीपीटी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से जाकर सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैं इस वीडियो के अलावा वहां पर मैं इनके लिंक्स को वहां पर शेयर कर देता हूँ। तो आप जाइए इस पीपीटी को आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बाकी इंस्टाग्राम में भी आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, यूनिट थ्री जहां पर प्रश्न बनता है, इंडिया ने नेशनल आरईडीडी प्लस स्ट्रेटजी बनाई है। डेफिनेटली दोस्तों, अब आरईडीडी प्लस पे अगर बात करें तो आरईडीडी प्लस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आरईडीडी पर आपके पेपर में एक बार नहीं दोस्तों, दो बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आप 2011 से 2018 का पेपर का एनालिसिस करें, यानी आरईडीडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीन टर्म होते हैं दोस्तों, एक यहां आता है आरईडीडी, एक यहां होता है आरईडीडी प्लस, एक यहां होता है आरईडीडी प्लस और प्लस। आपके पेपर के लिए आरईडीडी और आरईडीडी प्लस पर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्लस के बारे में भी बात हो रही है, समय के साथ एक नई चीज भी ला दी जाएगी जिसको हम आरईडीडी प्लस प्लस के नाम से भी जानेंगे। आपको अगर आरईडीडी के बारे में बताऊं तो आरईडीडी का पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका पूरा नाम जो है दोस्तों वो यहां लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी इन्वायरमेंट में जो कार्बन आदि के उत्सर्जन हो रहे हैं, लगातार उनकी मात्रा बढ़ रही है, उनको अगर कंट्रोल करना है किसी भी तरह से तो हमें वनों की कटाई को रोकना होगा, जो वन कम हो रहे हैं उनको रोकना होगा, उससे उसका कंसेप्ट है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन।
अगर मैं आरईडी की बात करूं तो आरईडी की कहानी शुरू होती है, इसकी पूरा बैकग्राउंड जाते हैं तो अर्थ समिट में, रियो समिट में जो कि 1992 में हुआ था, मैं इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। फाइनली आरईडी कब आया वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा 2005 में, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में रियो डी जनेरियो में, ओके, यहां पर 5 डॉक्यूमेंट्स लाए गए थे पूरी पृथ्वी की सुरक्षा के लिए। उनमें एक डिक्लेरेशन, एक डॉक्यूमेंट था रियो डिक्लेरेशन, दूसरा फॉरेस्ट प्रिंसिपल, तीसरा एजेंडा 21, चौथा यूएनएफसीसीसी और पांचवा सीबीडी। ये यूएनएफसीसीसी जो था दोस्तों, ये जो चौथा डॉक्यूमेंट यहां पर मैंने मेंशन किया है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। इसी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए यूएनएफसीसीसी लाया गया दोस्तों, ये 1994 में जाकर फोर्स में आया था। कब आया था? 1994 में जाके फोर्स में आया था। और इसी के बाद पहला समिट हुआ था कोप 1 जो 1995 में हुआ था। बाद में इसी समिट को लेते लेते आगे बढ़ते बढ़ते जब आप पहुंचेंगे कोप 11 में, जो मिलेगा आपको 2005 में, और 2005 में जो कोप 11 हुआ था यहां पर आरईडीडी की न्यू पड़ी थी। और इसी आरईडीडी की जो न्यू यहां पड़ी थी, इसी आरईडीडी में कुछ चीजें और एड ऑन करके आरईडीडी प्लस लाया गया, और आरईडीडी प्लस जो है वो 2 साल बाद यानी कोप 13 के समिट में 2007 में जाकर, जिसको हम बाली में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे कुछ बाली रोड मैप बने थे जिसके बारे में मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताए हैं, यहीं पर जेआई के बारे में कंफर्मेशन हुआ था, सीडीएम के बारे में कंफर्मेशन हुआ था, और कार्बन व्यापार यानी कार्बन ट्रेडिंग के बारे में कंफर्मेशन हुआ था। जेआई को बोलते हैं ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, सीडीएम को बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और कार्बन ट्रेडिंग को कहते हैं कार्बन व्यापार। ये चीजें कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स आरईडीडी से जुड़ा हुआ है। तो आरईडीडी जो है वो आरईडीडी प्लस बना था बाली रोड मैप में, और इसकी पूरी कहानी जो है, इसके लिए पूरा भरपूर अगर इंटरनेशनल लेवल पे किसी ने बोला था सबसे पहले तो भारत ने ही बोला था। तो आरईडीडी प्लस कोप 13 2007, जिसकी कहानी यूएनएफसीसी से बैकग्राउंड में जुड़ी है, और यूएनएफसीसी की जो कहानी वो अर्थ समिट से जुड़ी है। यानी आरईडीडी, आरईडीडी प्लस यूएनएफसीसी जुड़ा हुआ है, अर्थात कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने की बात यहां की जाती है और फॉरेस्ट को कंजर्व कर। अब बात करते हैं इन चीजों को लेकर, मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दे दिया, आगे के इंफॉर्मेशन में आपको यही फैक्ट्स मिलेंगे। आरईडीडी जो है 2005 में यूएनएफसीसी के कोप 11 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर लाया गया था, ठीक है। और आगे अगर मैं बात करूं तो आरईडीडी का पूरा जो काम है वो रिड्यूसिंग एमिशन है ना, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी अगर आप फॉरेस्ट की कटाई कम करते हैं, नहीं करते हैं, और फॉरेस्ट को खत्म होने से बचाते हैं, यही आरईडीडी का प्रोविजन था। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कार्बन सिंक करेंगे और कार्बन की अच्छी खासी मात्रा वातावरण से पौधों के अंदर फिक्स करा लेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। आगे चलकर 2 साल बाद अगर मैं बात करूं तो आरईडी प्लस बाली एक्शन प्लान लाया गया, और आपको रियली बताऊं तो ये चीज जो थी वो यहां पर हमें पूरी तरह से फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना था, मिटिगेटिंग करना था क्लाइमेट चेंज को, यानी कंट्रोल करने, मिटिगेटिंग मतलब होता है कम करना काफी हद तक डिफॉरेस्टेशन वगैरह के द्वारा, और एफॉरेस्टेशन वगैरह के द्वारा हम क्या करने वाले हैं यहां पर, हम ग्रीन हाउस एमिशन को, इस तरह की चीजों को कम करेंगे, यानी इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो यहां पर असल में बात जो हुई है आरईडी प्लस में, स्पेशली मैं आपको बता दूं फंडिंग के लिए बात हुई है विकासशील राष्ट्रों के लिए, और विकासशील राष्ट्रों को जो फंडिंग दी जाएगी वो फंडिंग उनके परफॉर्मेंस के अनुसार, उनके एक्शन के अनुसार जो वो ले रहे हैं उसके हिसाब से उनको उनको फंडिंग दी जाएगी, और ये फंडिंग कहीं ना कहीं वो यूज करेंगे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, यानी कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए या कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए। अब यहीं पर एक छोटा सा बैकग्राउंड है आपको मैं बता दूं आरईडीडी, आरईडीडी प्लस और आरईडीडी प्लस प्लस के बारे में। आरईडीडी का अर्थ क्या है बता चुका हूं, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। आरईडीडी को जब आरईडी प्लस में कन्वर्ट करने की बात हुई तो यहां पर दोस्तों फंडिंग की बात हुई, ओके, फंडिंग की बात हुई, और ये फंडिंग जो है जनरली वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट को करने के लिए है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए है, और कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए है। और इसी आरईडी प्लस को समय के साथ आरईडी प्लस में कन्वर्ट करके हमें बायोडाइवर्सिटी के एरिया को, लैंड को और बढ़ाएंगे, और कार्बन के एमिशन को जो वातावरण में है कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक फेज है आरईडी से आरईडी प्लस, और आरईडी प्लस के बारे में भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ ही ऐसे सोर्स हैं जो आरईडी प्लस के बारे में बता रहे हैं।
हैं। और आरईडी आरईडी प्लस यानी अगर आप फॉरेस्ट वगैरह की कटाई नहीं करेंगे, है ना, अगर ऐसा नहीं करना है तो कहीं ना कहीं इस पर जो क्वेश्चन पिछली बार 2014-15 में पूछा गया था वहां पे, है ना, पावर्टी एलिविएशन भी आएगा, यानी कहने का मतलब आप गरीबी वगैरह को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और आरईडी का प्रश्न मैंने आपको लेक्चर 1 में आरईडी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आप काफी बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत ने नेशनल आरईडी प्लस स्ट्रेटजी बनाई है, ओके, और डेफिनेटली बनाई है, भारत इसके लिए बहुत अच्छी तरह से प्रयास कर रहा है। अगर आप देखिए, भारत ने अपना नेशनल एक्शन प्लान बनाया है क्लाइमेट चेंज को लेकर, भारत ग्रीन इंडिया मिशन लाया है, और भारत जो यूएनएफसीसी के अंतर्गत एक इंडिया एक नेशनल डिटरमाइन जो कंट्रीब्यूशन है, जो 2021 से 2030 के बीच में जो विश्व के अलग अलग राष्ट्र कोशिश करेंगे ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को कम करने के लिए, उसका पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है भारत ने खुद बनाया है कि भारत किस बेस ईयर के हिसाब से 2030 तक कितना एमिशन कम करेगा। यानी कहने का तात्पर्य, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो यूएनएफसीसी कह रहा है भारत उसको पूरी तरह से अपना रहा है, और वही चीज इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर भारत ने स्वीकृत करके अपना एक टारगेट डिसाइड कर बताया है। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्ट्रेटजी रिपोर्ट जो है जो प्रिपेयर किया है भारत ने, वो इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन जो देहरादून में है, इसी ने इसके पूरे रिपोर्ट्स को तैयार किया है, और जहां पर आरईडी प्लस की पूरी स्ट्रेटजी जो है बनाई गई है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जो पेरिस कन्वेंशन हुआ था यूएनएफसीसी का, जिसको COP21 के नाम से भी जानते हैं, जो पेरिस में हुआ था, यहां पर आरईडी को फिर से सपोर्ट मिला है और इसको एक्शन में लाने की बात की गई है, और जो भी कंट्री है उन पे पार्टिसिपेट करने की बात की गई है। याद रखिएगा, आरईडी प्लस वगैरह जो है ये जनरली विकासशील राष्ट्रों के लिए है, ओके, और इंडिया ने प्रिपेयर किया है अपना, है ना, इंडिया हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल आरईडी प्लस स्ट्रेटजी सून, और जो भारत अभी हाल ही में यूएनएफसीसी को कम्युनिकेट करने वाला है, जो करंट अफेयर्स में न्यूज में रहा है इस मंथ में। आरईडी प्लस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक इंसेंटिव की बात हो रही है विकासशील राष्ट्रों के लिए, और वो अपने अनुसार जिस हिसाब से कार्बन को स्टोर करेंगे एमिशन को कम करने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, उस हिसाब से इंसेंटिव उनको मिलेगा, ओके। डेवलपिंग कंट्रीज जो होगा एक वुड रिसीव अ रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर रिजल्ट बेस्ड एक्शंस, तो ये भी बता चुका हूं, तो उनके रिजल्ट के आधार पर होगा, और हम कार्बन स्टॉक को यहां पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली कार्बन स्टॉक तभी बढ़ेगा जब जब डाइवर्सिटी में फॉरेस्ट या पेड़ों की संख्या बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 3 का एक टॉपिक है यूएनईपी से जुड़ा हुआ। अभी हाल ही में भारत के एक इकोनॉमिस्ट हैं जो लॉयर भी हैं, जिनका नाम है सत्यम एस त्रिपाठी को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का, और साथ ही साथ इनको जो है वो यूएनईपी का जो ऑफिस है, यूएनईपी जो है उसके यूएनईपी के हेड भी बनाए गए हैं न्यूयॉर्क ऑफिस के। तो आप ये नाम याद रखिएगा, सत्यम एस त्रिपाठी, जो कि एक भारतीय भारत के इकोनॉमिस्ट भी हैं और लायर भी हैं, इनको एज अ सेक्रेटरी जनरल बनाया गया यूनाइटेड नेशन का, जो यूएनईपी के ऑफिस के हेड भी यूएनईपी के ऑफिस के हेड रहेंगे। यूएनईपी जो है दोस्तों, यूएनईपी एक तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको बताऊं, 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, 5 जून 1972 को, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, जो स्टॉकहोम में हुआ था, इसलिए इसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बताऊं, सबसे इसी कॉन्फ्रेंस के बाद ही जाकर 5 जून को हम लोगों ने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी घोषित किया था, और इसी के बेसिस पर आगे चलकर एक जरूरत महसूस हुई थी और यूएन ने यूएनईपी की नींव डाली थी। यानी अगर मैं पूछूं यूएनईपी के बैकग्राउंड में क्या है, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, है ना, इसी आधार पर आगे चलकर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो हुआ था वो बनाया, यूएनईपी एक संस्था जो यूएन की है वो बनाया गया था, ठीक है, जो पर्टिकुलरली एनवायरमेंटल एक्टिविटीज से जुड़े हुए जो कार्य होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करती है। जो भी विकासशील राष्ट्र वगैरह हैं उनमें डिफरेंट तरह के जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज वगैरह प्रैक्टिसेस जो हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी मदद भी करती है। इवन जितने भी एनवायरमेंट, जैसे मान लीजिए कोई इशू है, कोई एटमॉस्फेयर से जुड़ा हुआ इशू है, मराइन एरिया से जुड़ा हुआ इशू है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से जुड़ा इशू है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस और ग्रीन इकोनॉमी से जुड़े हुए जो भी इस तरह के इश्यूज हैं, उनसे जुड़े हुए सारे इश्यूज को ये कवर करता है और उनको सॉल्व करके एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है।
यूएनईपी की बात करूं तो ये फंडिंग भी करता है एक तरह से, और कई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस को समय समय पर जो समिट्स वगैरह होते रहते हैं उनको चलाने के लिए प्रेरित भी करता है और फाइनेंशियल मदद भी करता है। आपको मैं बताऊं यूएनईपी के बहुत सारे अचीवमेंट है। यूएनईपी ने ही आईपीसीसी बनाया है या आईपीसीसी की नींव डाली है, जिसको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। आईपीसीसी में दो संस्थाओं ने मिलकर कार्य किया है, एक तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी, दोनों ने मिलकर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज स्थापित किया 1988 में। आपको पता है आईपीसीसी का कार्य क्या होता है? असल में आईपीसीसी क्या करता है, असेसमेंट करने का कार्य करता है। असेसमेंट का मतलब होता है ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सारे राष्ट्रों से डेटा लेता है कि आपके यहाँ प्रदूषण का लेवल क्या है, और उस डेटा के बेस पर, पूरी दुनिया के डेटा के बेस पर एक एनालिसिस कर बताता है कि समय के साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है या वातावरण में होने वाली प्रॉब्लम है वो किस स्तर तक बढ़ रही है। और उसी बेसिस पर जब यूएनएफसीसीसी में जब मीटिंग होती है, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह की मीटिंग होती है, तो कंट्रीज को लताड़ा जाता है, डांटा जाता है, समझाया जाता है कि दोस्त तुम लोग ठीक काम नहीं कर रहे हो या ठीक काम कर रहे हो, उनको बताया जाता है। ओके, हो सकता है कुछ कंट्रीज है ना अधिक अमीशन कर रहे हैं, कुछ कंट्रीज कंट्रोल कर रहे हो, तो ओवरऑल सबका रिजल्ट लेकर उसके बाद कैलकुलेशन करके जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसके बेसिस पर बताया जाता है सच में क्या प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। यानी आईपीसीसी अगर नहीं होता तो इंटरनेशनल लेवल का यह डेटा मौजूद नहीं होता, जिसके लिए यूएनएफसीसी प्रयासरत नहीं होता, और ग्रीन हाउस गैस अमीशन इस तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए कोशिश नहीं हो पाती। यूएनईपी डिफरेंट तरह के इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज वगैरह है ना, इंप्लीमेंट करता है डिफरेंट एजेंसीज वगैरह को भी है ना उनके कार्यों के लिए, जैसे ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी है, मल्टीलेटरल फंड है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इंप्लीमेंटेशन के लिए है ना, जो यूएन डेवलपमेंट ग्रुप है, इन सबको कहीं ना कहीं यूएनईपी डिफरेंट एजेंसीज वगैरह को इंप्लीमेंट भी करता है। इसमें से कई एजेंसीज ऐसी होती है दोस्तों जो फंडिंग वगैरह देने का कार्य भी करती है। इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोग इकोनॉमी में एक टॉपिक पढ़ते हैं ग्रीन जीडीपी, जिसके बारे में इकोनॉमी में हम लोग बात करते हैं, ग्रीन जीडीपी के बारे में भी यूएनईपी ने ही कहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम इन्वायरमेंट को भी जीडीपी के रिस्पेक्ट में मापेंगे। और अभी हाल ही में मोदी साहब को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला है, जिसके बारे में आपको मैं आगे के मंथ में पढ़ाऊंगा। जिस मंथ में उनको ये अवार्ड दिया गया था वहां पर मैं आपसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ के बारे में डिटेल बात करने वाला हूं। काफी लोगों को ये पता नहीं है कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड आपको लगता है सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को ही दिया गया, नहीं दोस्तों, ये मीडिया ने ऐसा हाई कोर्ट एडवर्टाइजमेंट बना रखा है जिसकी वजह से यहां तक मेरे पिताजी को भी यही लगता है कि मोदी जी को ही चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। इसकी पहले भी दोस्तों तांत्री को भी ये अवार्ड मिल चुका है जो सुजलन एजेंसी के चेयरमैन रहे हैं, लेकिन मीडिया ने इस हिसाब से चीजें मैनेज की कि हमें लगा भारत में आज तक किसी और को मोदी जी के अलावा नहीं दिया गया। आप गलत जानते हैं, आपको मैं उस टॉपिक में पढ़ाऊंगा। इसके पहले तांत्री को भी मिला है और भी कई इश्यूज इनसे जुड़े हुए, किस फील्ड में मिलता है, छह फील्ड में दिया जाता है। जब इस मंथ के करंट अफेयर्स पर आऊंगा तब मैं आपको चैंपियंस ऑफ द अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिर्फ इतना बताता हूं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी यूएनईपी ही देता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, यहां पे भी मैं आपको बताऊं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स को लेकर न्यूज में रहा है, जो कि 11वां बायोस्फीयर रिजर्व्स भारत का ऐसा है जो यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय जो मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट में रखा गया। फिलहाल ये चीज तो 2016 में ही तय हो गई थी, लेकिन इसकी जो फाइनल जो डिसीजन है जो भी है वो 30वां जो सेशन हुआ था इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल का, जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत ये चीज जो हो सेशन जो कराया जाता है यहीं पर इंडोनेशिया में 23-28 जुलाई 2018 को ये फाइनलाइज हुआ था। यानी ये चीज फिर से न्यूज में आई थी, जबकि हमने इसको कंचनजंगा नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व को फिलहाल मिक्स्ड बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। ओके, तीन तरह के बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पहला नेचुरल है दोस्तों, दूसरा कल्चरल है, और तीसरा जो है वो मिक्स है। नेचुरल कल्चरल, मिक्स में क्या होता है, नेचुरल और कल्चरल दोनों तरह के फीचर्स पाए जाते हैं। हमारे भारत में अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि मिक्स्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको मैंने बता दिया, एक तो कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो 11वें
जो 11वां इंटरनेशनल लेवल का मैप प्रोग्राम है उसके अंदर है। और एक चीज और मैंने बता दिया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जितने भी भारत में है उनमें तीन तरह के होते हैं, नेचुरल, कल्चरल और फिर मैं बोल रहा हूँ मिक्स टाइप। तो ये मिक्स टाइप का जो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसकी कैटेगरी में भी आता है। अभी मैं इसको आपको आगे के पीपीटी में पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा कन्फ्यूज मत हो जाएगा क्योंकि काफी लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा 30th सेशन जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में जहां पर ये चीजें डिसाइड की गई हैं। इंडिया जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेटवर्क जो है 11 हो गए और 7 बायोस्फीयर रिजर्व जो हो गए आपको डोमेस्टिक यानी भारत के अपने हो गए और 11 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो गए। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं आपको जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, यही कंचनजंगा में एक नेशनल पार्क भी है जिसको हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी रखा है जो कि मिक्स टाइप का होता है। आगे बढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स में। बायोस्फीयर रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट 1971 में आया था यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके द्वारा यह कोशिश की जाती है कि मानव को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ा जाए, उन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखने की बात होती है। मैं प्रोग्राम के अंतर्गत हम नेचुरल और सोशल साइंस के साथ साथ इकोनॉमिक्स और एजुकेशन फॉर ऑल ह्यूमन लिवलीहुड्स के लिए भी कार्य करते हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं, इन्वायरमेंट के साथ साथ समाज, इकोनॉमी, ह्यूमन के लिवलीहुड रहने की दिशा आदि सारी चीजों को भी सुधारने की कोशिश की जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि अगर इकोनॉमी, आप ऐसे ही मुझे बताइए, अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा तो लोग लकड़ियां क्यों जलाएंगे, लोग आसानी से सिलेंडर ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल देने की बात कर रहा हूं। यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इन सारी चीजों की कोशिश की जाती है। एक बात और मैं आपको बता दूं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है दोस्तों, ये एक नेशनल पार्क भी है ना, और साथ ही साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व्स भी है जो कि सिक्किम में पड़ता है। और एक बात बता दूं, ये जो कंचनजंगा है ये थर्ड हाईएस्ट पीक पूरे दुनिया में माना जाता है। ओके, इसके अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क को जो डेजिग्नेट हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016 में, ये मिक्स कैटेगरी का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। ठीक है, और 2018 में इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मैप प्रोग्राम के अंतर्गत रखते हैं, इसको रख लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स के डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ठीक से समझा दिया है। बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात और बता दूं, ये जो हम कंजर्वेशन करते हैं, जो संरक्षण की बात करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हम कंजर्व करते हैं उसके तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला एक तो इनसीटू कंजर्वेशन है, जो जीव जहां पर मिलता है, जो डाइवर्सिटी जहां पर मिलती है उसको वहीं पर कंजर्व किया जाता है। दूसरा, यहां पर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोशिश की जाती है। और तीसरा, यहां पर इकोलॉजिकल स्टडी वगैरह को कर इन्वायरमेंटल एजुकेशन वगैरह को साथ साथ ट्रेनिंग और रिसर्च आदि को कर हम कहीं ना कहीं जैव विविधता के क्षेत्रों को, बायोस्फीयर रिजर्व्स के क्षेत्रों को मॉनिटर करने की कोशिश करते हैं। चीता जो है उसको पुनः इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, कुछ ऐसे स्टेट है जहां मध्य प्रदेश वगैरह की बात हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने चीता के बारे में बात किया था रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी देखो लिखा है मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज रिटन टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने लिखा है कि पुनः चीता को रीइंट्रोड्यूस किया जाए जो इस स्टेट का नौराधी सेंचुरी है वहां के लिए। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली मैं बोलूं बहुत पहले ही कोशिश की गई थी 2009 में ही करने के लिए और चीता की संख्या बढ़ाने के लिए इस नौरादेही सेंचुरी में, लेकिन वहां फंडिंग की कमी होने से ये चीज वहां सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। ये चीता जिसका एनिमल जूलॉजिक नेम है एक्नो एक्सिस जुबेटस है ना, ये एक ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज है और जनरली मायोसीन एरा के आसपास ऐसा मानते हैं ये इसकी ओरिजिन हुई है और बड़ी मात्रा में वहां पर इसके एंसेस्टर्स रहे हैं। ठीक है, चीता जो है पुनः इंट्रोड्यूस करने का प्रोग्राम जो है भारत में लाने की बात हुई है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में है उसने एक प्रिपेयर भी किया है, पूरा का पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर एक बनाया है जहां पर ये स्ट्रक्चर जो है 260 करोड़ रुपए खर्च की बात थी, जो पिछले 6 वर्ष पहले ऐसा प्रोजेक्ट लाया जा चुका था। और इस तरह के एस्टिमेशन में कहते हैं 25 से 30 करोड़ रुपए की जरूरत होती है इसके एनक्लोजर के लिए। अगर 150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नौरादेही में जो चीता के कंजर्वेशन के लिए बात कर रहे हैं, इसको रीइंट्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, उसके बाहर की वॉल वगैरह बनाने के लिए अच्छा खासा, फिलहाल आप फाइनेंशियल वैल्यू को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन
आपको बता रहा हूं, इस तरह का प्रोजेक्ट पहले देहरादून में लाया गया, बाद में जहां पर 260 करोड़ रुपए पहले खर्च हुआ था उसी तरह का 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च कर हमें चीता को बचाने के लिए उनकी वॉल बनाना, उनको सेफ करना, उसके लिए नौरादेही सेंचुरी में कोशिश की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नौरादेही जो सेंचुरी है इसको ध्यान रखिएगा, आपको मध्य प्रदेश के एरिया में ये चीज दिख रही है। नौरादेही वाज फाउंड द मोस्ट सुटेबल एरिया फॉर द चीता। क्यों चीता के लिए वो सबसे सुटेबल एरिया है? क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस नहीं है, तो चीता आसानी से वहां दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। और यहां पर अगर बात करें इनको हंटिंग करने वाले प्रे बेस्ड जो चीता के हैं, ठीक है, इनको चीता को खाने के लिए जो भोजन पदार्थ है वो चीजें भी यहां पर अच्छी खासी मात्रा में है। ओके, ऐसा कहते हैं दोस्तों कि इसके पहले भी चीता एक्शन प्लान जो है नेशनल टाइगर जो एक्शन प्लान हुआ है, जहां पर तकरीबन 20 चीता ऐसे हैं जो नामीबिया अफ्रीका से नौरादेही में भेजे गए थे। और नामीबिया चीता कंजर्वेशन फंड जो है इसके लिए स्वैच्छिक रूप से उन्होंने 20 चीता को डोनेट किया था। ओके, ये कहानी है थोड़ा सा नौरादेही है ना सेंचुरी को लेकर, आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। असल में भारत में जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम करता है वो NTCA काम करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो स्टैचुरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, और जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया था। अब इसका सीधा कंसिडर समझ सकते हैं कि पूरे राष्ट्र में टाइगर कंजर्वेशन के लिए कोशिश करता है, अपनी गाइडलाइंस देता है, अपनी सलाह देता है, और यहाँ पर हम पूरे के पूरे टाइगर के कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, और एक कमिटी होती है जो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए पूरी तरह से देखरेख करती है। अगला टॉपिक बढ़ते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA को जो टेक ओवर करने के बाद रही है कार्बेट टाइगर रिजर्व को, क्या है ये पूरा इशू मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इस बार कार्बेट टाइगर रिजर्व भी न्यूज में रहा है, जो जनरली आपको उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा, हिमालय के फुटहिल्स एरियाज में 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। ये इंडिया का सबसे पुराना सबसे प्रेस्टिजियस नेशनल पार्क बोला जाता है। यहां पर 1973 में जाकर टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ये कार्बेट नेशनल पार्क तकरीबन 521 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जहां ठीक साथ में सटा हुआ इसके साथ सोनंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहां पर कुछ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी हैं, जहां पर अगर हम देखें तो कार्बेट टाइगर रिजर्व्स स्थापित हैं। कार्बेट अगर देखें तो एक तरह से सिर्फ टाइगर के लिए नहीं, यहाँ बर्ड्स भी होते हैं, रिचेस्ट बर्ड रीजन भी है पूरे राष्ट्र का, इसीलिए इस एरिया को IBA यानी इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी बोला गया है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल एक तरह का NGO है, बहुत ही पुराना NGO है, अंग्रेजों के जमाने का NGO है, जिसने भारत में है ना जैसे अमूर फाल्कन और कई ऐसे बर्ड्स हैं जिनके लिए शुरुआत में कोशिश की थी, आज ये बर्ड संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल पे भी 2014 में प्रश्न UPSC ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा टू शोकेस इट्स बायोडाइवर्सिटी, आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास इंटरप्रिटेशन सेंटर है ना, एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं दंगामल, जो कि जनरली भीतर कनिका नेशनल पार्क में पड़ता है। यहाँ पर जनरली हम क्रोकोडाइल के प्रोटेक्शन और उसके प्रजर्वेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्रोकोडाइल का प्रोटेक्शन इसलिए वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं करने के लिए क्योंकि वहाँ पर जो क्रोकोडाइल होता है वो मैंग्रोव डाइवर्सिटी में होता है, तो अगर मैंग्रोव की डाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व करेंगे तो क्रोकोडाइल को हम उस एरिया में प्रोटेक्ट करेंगे। इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक केंद्र बनाने की बात की है, जहाँ पर यहाँ पर बोला गया है, यानी ये पूरी तरह से क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन की बात हो रही है। मैंने आपको बोला था भितरकनिका नेशनल पार्क एक तरह से कंजर्वेशन साइट है, नेचुरल साइट जो है वो आपको मिलेगा घड़ियाल वगैरह कहाँ, वो आपको मिलेगा चंबल में। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर तकरीबन इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जो अप्रूव किया गया है, जहां पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च करने की बात हुई है। यहाँ पर भितरकनिका एक तरह से स्टेट फाइनेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, जहां पर तकरीबन 1 लाख से अधिक प्रति वर्ष में घूमने के लिए लोग आते भी हैं, टूरिस्ट एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है। असल में ये जगह जो है वो ग्रीन मैंग्रोव्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए,
कछुओं के लिए, जो जो एस्चुरीज वगैरह में जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, उन उन सब के लिए यहाँ पर आप चाहो, अगर आप घूमना चाहो, अगर आप जाना चाहो, तो ये चीजें आपको वहां पर बहुतायत में दिखेंगी। 70% अगर हम देखें कंट्री का जो एस्चुराइन या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है वो यहीं पर आपको मिलता है। ये प्रोजेक्ट, इसके बारे में शुरुआत 1975 से ही कर दी गई थी। बाउला प्रोजेक्ट जो है वो दंगामल में है, ये भी एरिया जो है दंगामल जो भीतर कनिका सेंचुरी के अंदर आता है, यहाँ पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो होते हैं अपने एग्स वगैरह देते हैं, जिनको वहां के लोकली हम उसको कलेक्ट कर और यंग क्रोकोडाइल जो वहां पर रिलीज होते हैं उनको मतलब संरक्षण की कोशिश की जाती है। कहने का मतलब है इस बाउला प्रोजेक्ट जो कि दंगामल जो है, ये जगह याद रखिएगा, बाउला उड़िया में, बाउला का मतलब होता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो बाउला प्रोजेक्ट जो है जो दंगामल में स्टार्ट किया गया वो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए किया गया, यही इसका की पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। ओके, घड़ियाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो एक बार मैं आपको बता दूं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है घड़ियाल को, गेवियल या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल के नाम से भी जानते हैं ये। इस जिन जनरली जिस जिन रिवर रिवर्स से होकर होता है, जिन रिवर्स में, ये नदियों में जिनमें घड़ियाल मिलता है, वो आपको इरावदी नदी ले लीजिए ईस्ट से लेकर इंडस रिवर ले लीजिए वेस्ट तक, वहां पर आपको घड़ियाल का क्षेत्र अच्छा खासा मिल जाएगा। भारत में गिरवा नदी है, चंबल नदी है, केन नदी है, सोन नदी है, महानदी है, रामगंगा नदी है, इन एरियाज में आपको घड़ियाल अच्छी खासी मात्रा मिलेंगे। और नेपाल की जो राप्ती नारायणी रिवर है, ठीक है, यहां पर भी आपको घड़ियाल की मात्रा अच्छी खासी मिलेगी। घड़ियाल को शेड्यूल 1 में रखा गया है, जिसके बारे में पीछे के वीडियोस में मैंने बताया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और भारत में घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है वो 1975 से शुरू किया गया, जिसके लिए भारत सरकार, यूएनडीपी, सॉरी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कार्य कर रहा है, जहां इनके ब्रीडिंग्स वगैरह का ध्यान दे रहे हैं, इनके एग्स वगैरह जो हो रहे हैं उनको बचाकर और उनसे नए घड़ियाल की उत्पत्ति हो, इसके संरक्षण के लिए प्रयास हो रहा है। इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो यहां पर इसलिए यह चीज न्यूज में आई है क्योंकि भारत के एक वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है नंदुला रघुराम। नंदुला रघुराम को अभी एज अ इलेक्टेड चेयर है जो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव है, उनको बनाया गया है, उनका चुनाव किया गया है, चेयरपर्सन उनको बनाया गया है इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का, जो एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ना, जो नाइट्रोजन की टेक केयर करती है। बता दूं इसके बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन में बता दूं नंदुला रघुराम के बारे में, ये पहले ऐसे इंडियन है या एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको INI का चेयरपर्सन बनाया गया है। INI का मतलब होता है इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव्स। इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 2003 में की गई थी और जिसका स्पॉन्सरशिप जो करता है वो साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑन द एनवायरनमेंट यानी स्कोप और इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम्स दोनों के द्वारा इसका स्पॉन्सरशिप होता है। इसका मुख्य एम क्या होता है कि जनरली जो नाइट्रोजन है उसके बेनिफिट को जितना ज्यादा से ज्यादा हम कर सकें उसको हम यहां पर उसको ऑप्टिमाइज करें, उसको ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा नाइट्रोजन का लिया जा सके, और नाइट्रोजन के निगेटिव भी होते हैं उस निगेटिव को हम काफी हद तक मिनिमाइज कर सकें जिससे ह्यूमन हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा पर्पज है इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का। यहां ये INI जो है वो उसकी एक स्टीयरिंग कमेटी होती है जिस पूरी चीज को रेगुलेट करता है। यहाँ पर एक चेयरपर्सन होगा, साथ साथ 6 ऐसे रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया से। INI हर 3 साल में एक कॉन्फ्रेंस करता है और डिफरेंट तरह के आइडियाज और एक दूसरे के साथ नॉलेज वगैरह को, नाइट्रोजन इशू से जुड़े जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको शेयर कराने की बात करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको शेयर किया जाता है यहाँ इसके अंतर्गत। आज कुछ चीजें और बात करते हैं नाइट्रोजन को लेके दोस्तों, तो नाइट्रोजन जो है, ठीक है, इसकी शुरुआत अगर मैं बोला जाए, अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ पर जाते हैं तो कहते हैं शुरुआत में जो नाइट्रोजन इस पृथ्वी पर आए थे वो लाइटनिंग एंड थंडरिंग की वजह से आए थे। यानी ब्रह्मा यानी पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हो रही थी, जब नाइट्रोजन से अमोनिया आदि का निर्माण हो रहा था, तो शुरुआत में जो नाइट्रोजन थे वो आए थे, वो कहां से आए थे, वो आए थे दोस्तों आपका
क्लाउडिंग एंड थंडरिंग से, यानी क्लाउडिंग एंड थंडरिंग बादल चमक गरजने से चमकने से जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह पृथ्वी पर गिरते हैं वो नेचुरल सोर्स होते हैं नाइट्रोजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत पहले जमाने से ही दाल वाले पौधे जो होते हैं भले वो वाइल्ड फॉर्म में रहे हों नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी अपने आप नेचर में कर रहे थे, और यहीं जो नाइट्रोजन वगैरह वातावरण में निकल रहे हैं या वातावरण में आ रहे हैं उन्हीं को फिर से वातावरण में से नाइट्रोजन को ले लिया जाता है ना। और ये कह लो कि आप अगर एक नाइट्रोजन की साइकिल होती है जहां पे कुछ प्रोसीजर चलते हैं जैसे नाइट्रिफिकेशन अमोनिफिकेशन, इससे नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया जाता है पौधे के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और फिर एक प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन जो लिखा गया जिससे पुनः उसको नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस इस प्रकृति में बहुत पहले से चला आ रहा है। आगे बात करते हैं, ह्यूमन ने कहीं ना कहीं आज नाइट्रोजन का जो बैलेंस है जो नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है फिर एटमॉस्फेयर में निकल आ रहा है उसको इम्बैलेंस कर दिया है यानी उसको बदल दिया है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ऐसी चीजें जो शुरू हुई हैं जनरली वो 1960s के बाद से ऐसी चीजें देखी गई हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा नॉर्मल मात्रा से ज्यादा बढ़ गई है। अब बात करते हैं जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है जो नाइट्रोजन वगैरह का है वो कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रॉब्लम करता है और इकोसिस्टम को भी पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें तो प्रभाव डालता है। जो नाइट्रोजन होते हैं कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी वजह से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर बढ़ जाता है। अगर आप ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के बारे में जानते हैं, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा होती है यानी यही आगे चलकर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में बनाता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉक्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मिलकर बनाते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो कि क्षोभ मंडल में हमारे अगल बगल मौजूद ओजोन है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये आपको एक डिफिकल्ट टास्क बता रहा है निगेटिव। दूसरा कह रहा है कि जो कोस्टल इकोसिस्टम वगैरह है वहां पर यूट्रॉफिकेशन होता है जहां पर नाइट्रोजन वगैरह टाइप के जो उर्वरक होते हैं जो फर्टिलाइजर्स जो खेतों में डाले जाते हैं वो बारिश के साथ वो बारिश होने से क्या होता है वो निकल कर आ जाते हैं तालाब और झीलों में, और यहां पर इससे पोषण की मात्रा बढ़ जाती है यानी फर्टिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है जिसको हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन, जिसकी वजह से ऊपर पौधे बहुत ज्यादा हो जाने से अंदर मछलियों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है और मछलियां का दम घुटने लगता है जिसको हम बीओडी के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से कोस्टल इकोसिस्टम वगैरह का नुकसान भी होता है। साथ ही साथ नाइट्रोजन वगैरह आप देखो तो कहीं ना कहीं एसिडिफिकेशन के फॉर्म में भी अगर बारिश होती है या कुछ इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो ये नाइट्रिक एसिड वगैरह के फॉर्म में भी फॉरेस्ट को बर्बाद करता है। मृदा अगर सॉयल है तो उसकी पीएच को बदलता है, फ्रेश वाटर स्ट्रीम और लेक्स हैं तो उसके भी पीएच अगर एसिड गिरने से उसका नेचर खराब होता है और डाइवर्सिटी को भी प्रभाव डालता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो एक तरह के ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं वातावरण का टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं, नाइट्रोजन कहीं ना कहीं जहां एक तरह ग्लोबल वार्मिंग करता है वहीं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के डिप्लीशन भी करते हैं यानी जो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है जहां पर तकरीबन 20-22 किलोमीटर के हाइट पर ओजोन की लेयर होती है और आसपास वहां पर ओजोन का क्षरण भी करता है। कभी मौका मिला तो आप मेरे वीडियोस वगैरह देखना या मेरी बुक्स पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा ओजोन डिप्लीशन दो रीजन से होता है, एक नेचुरल कॉजेस से होता है और एक एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस से होता है। नेचुरल जहां मानव खुद प्रकृति खुद जिम्मेदार है और एंथ्रोपोजेनिक जहां मानव जिम्मेदार है। तो नेचुरल कॉज में एक कॉज मैंने बोला था कि जो है ना नॉक्सेस होते हैं और हाइड्रोक्सिल रेडिकल होते हैं, नॉक्स का मतलब दोस्त NO, NO2 ये सारे और हाइड्रोक्सिल रेडिकल मतलब OH, ये प्रकृति में बहुत सारे स्रोतों से निकलते हैं और ये चले जाते हैं नेचुरल कॉज और ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन क्षरण का काम करते हैं। तो ये स्ट्रेटोस्फीयरिक ओजोन डिप्लीशन जो है इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। यहां पे भी नाइट्रोजन के ही रेडिकल्स होते हैं जो खतरनाक हैं, जिस तरह की दिक्कतें करते हैं, और एंथ्रोपोजेनिक रीजन से भी वातावरण में बहुत सारे नॉक्सेस निकलते हैं जो मानव द्वारा जो भी ओजोन क्षरण का कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं अगला यूनिट 9 में जहां पे अभी हाल ही में 3D प्रिंटर से आधारित कोरल रीफ्स का निर्माण किया गया है मालदीप में और कोरल्स को बचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि कोरल जो सुरक्षित होते हैं वो बाहर के कैलकेरियस कवर की वजह से होते हैं जो कि काफी हार्ड होता है जिसकी वजह से अंदर सॉफ्ट जीव जो होते हैं
वो सुरक्षित रहते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव से जुड़ा हुआ जहाँ पे 3D प्रिंटेड रीफ्स को हमने रखा है पानी के अंदर सुरक्षित, और ये दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड रीफ है जो समर आइलैंड जो है मालदीव में वहां पर बनाया गया है। और ये एक नई तकनीकी है जहां पर हमने कोरल रीफ्स वगैरह को वार्मिंग क्लाइमेट से बचाने की कोशिश की है, यानी एक ऐसा पहल है जो इस मालदीव एरिया में समर आइलैंड जो स्थान है वहां पर समर में कोरल्स को बचाने की, क्योंकि कोरल्स के मरने के पीछे दोस्त बहुत रीजन होते हैं। मैं भी इन चीजों को थोड़ा और आगे आपको बता रहा हूं, पहले ये फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से कोरल करंट अफेयर्स में रहे हैं। आर्टिफिशियल जो रीफ है जो 3D प्रिंटर्स के बेस पर जो रीफ बनाए जा रहे हैं जनरली सिरामिक्स वगैरह के बने होते हैं, और ये सिरामिक्स एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा कि पूरा कैल्शियम कार्बोनेट जो नेचुरल कोरल्स में बाहर की कवर बनती है ये सिरामिक्स ही होते हैं जो यहाँ पर बनते हैं। सिरामिक के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जनरली वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मालदीव्स में जो पाया जाता है एग्जैक्टली उसी तरह के होते हैं जो कि रियल कोरल होते हैं, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, ये चीज जो हमने सिरामिक्स को जो बनाए हैं वो समर आइलैंड ब्लू लगून जो जगह है उस जगह पर हमने ये सारी चीजें बनाई हैं और आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हैं और वहां पर रखी हैं। इसमें अब बात होती है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस तरह की चीजें क्यों हुई हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों तो उस एरिया में ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की दिक्कतें होने पर टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाने से वहां पर डिफरेंट तरह के जो केमिकल वगैरह ओशन में आकर मिलते हैं नदियों वगैरह के थ्रू उनसे कोरल्स लगातार मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका एक सेफ्टी नेट है जो कोरल्स का हमने बनाया है उनके बाहर की कवर से और कोरल्स को बचाने की कोशिश की है। अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं दोस्तों तो कोरल्स में एक टर्म आता है आपके यूपीएससी में भी पूछा गया है कोरल्स, और एक टर्म और आता है उसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग को आप हिंदी में कह लीजिए, इसको विरंजक के नाम से जानते हैं। कोरल्स में मैं थोड़ा 5 मिनट का डिस्कशन और 2-3 मिनट का और डिस्कशन कर देता हूँ। कोरल्स जो होते हैं वो एसोसिएशंस होते हैं शैवालों के, एल्गी के, और प्लस एल्गी के साथ सीलेंट्रेट्स के मेंबर होते हैं, और सीलेंट्रेट्स के मेंबर के साथ हो सकता है कुछ मोलस्का ग्रुप के भी समूहों। सीलेंट्रेट और मोलस्का ये एनिमल ग्रुप के सदस्य हैं और एल्गी जो है वो प्लांट का सदस्य है। इन दोनों के प्लस प्लस सामंजस्य से जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं या आपसी साहचर्य कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, प्लस प्लस एसोसिएशन की वजह से दुनिया में कोरल्स का निर्माण होता है। कोरल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और कोरल्स के जो कलर होते हैं दोस्तों वो एल्गा के कारण होते हैं, क्योंकि शैवाल दुनिया में विभिन्न रंगों के होते हैं, विभिन्न कलर्स के होते हैं। अब इन एसोसिएशंस में जनरली क्या होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है या कोई अम्ल वगैरह नदी में आता है या एसिडिफिकेशन अगर नदियों में या ओशनों में होता है, समुद्रों में होता है, अम्लीयता बढ़ती है ग्लोबल वार्मिंग होने से, जब CO2 का लेवल बढ़ता है वाटर में मिलकर ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, ये सब कहीं ना कहीं इसके एल्गी को मारते हैं। और एल्गी जो काफी सेंसिटिव होने से अगर मरते हैं, है ना, पेस्टिसाइड वगैरह डंपिंग से एल्गी मरते हैं, तो उसका मतलब पूरा एसोसिएशन मर जाता है। और पूरा एसोसिएशन मर जाने से वही कोरल का रंग अगर मान लीजिए पहले येलो है तो बाद में व्हाइट हो जाता है, इसी को हम कोरल विरंजक या कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं, मूंगे के विरंजक। और इसका मतलब होता है कि कोरल की समाप्ति यानी कोरल मर रहे हैं। ठीक है, अब वही पर चीजें लिखेंगे, राइजिंग ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर या मास ब्लीचिंग इवेंट्स, इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, इन घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए कोरल्स को हम जनरली ये 3D बेस्ड कोरल्स बना रहे हैं जहां पर हम कोरल्स को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं, और बाहर का जो कैल्केरियस वॉल होगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ वो काफी कठोर होगा, उसके अंदर कोरल्स पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कोरल हमेशा ग्रुप में होते हैं, इसलिए जनरली दोस्तों को कोरल पॉलिप के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कभी कहीं पर कोरल पॉलिप लिखा हो, पॉलिप मतलब बहुत सारे मेनी, है ना, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। थियोरेटिकल पार्ट के लिए जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूं और कंटेम्पररी इश्यूज के लिए जितना भी संभव है इस बुक में सारी चीजें कवर की गई हैं। आप बिल्कुल भी इंग्लिश और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इस बुक को पढ़ना ना भूलें, ये ज्ञानवर्ड.com और amazon.com पे ये बुक उपलब्ध है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज, अपना इन्फॉर्मेशन लिखना मत भूलिएगा, किसी तरह कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।